अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? यहाँ पे ज़ाहिर है फेस्टिवल हो रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, और हमारे यहाँ पे थिएटर भी है तो उसमें भी हमने परफॉर्म करना होता है, लेकिन यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि पाकिस्तान के जितने सूबे हैं वो हमें सब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और जो उनकी सकाफत है, कल्चर है, उसको हम देख के बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप मैरिड हैं? अनमैरिड। क्यों, शादी क्यों नहीं की अभी तक? शादी बस वैसे ही नहीं की, ऐसे लाइफ सही है ना कि मतलब एंजॉय कर रहे हैं, और वैसे भी जब नसीब में होगा तो हो जाएगी। कोई पसंद नहीं आया अभी तक आपको? नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, हम दुआ करेंगे। सर आप मैरिड हैं? जी जी मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? बस घर वालों की मर्जी से हुई है। आपकी अपनी कोई पसंद नहीं थी? नहीं, उस वक्त पसंद नापसंद नहीं होती थी। मैंने 1988 में शादी की है। 88 कितने होते हैं? ये 88। मुझे ये बताएं कि बीवी की कौन सी आदत आपको पसंद है? बीवी की आदत तो पसंद है कि वो तैयार करके मुझे भेज देती है इस तरह शोबिज़ में। मैं क्योंकि मैं रावलपिंडी आर्ट काउंसिल का मेंबर भी हूँ और राइटर भी हूँ, ड्रामा राइटर भी हूँ, तो मुझे इस तरह चमका के भेज देती है, मतलब लड़कियों में, औरतों में, तो यही उसकी अच्छी खूबी है। वो कहते हैं ना साली आधी घर वाली, इसका क्या मतलब है? वो समझ लें, अगर अच्छे रिश्ते से समझा जाए, बहन समझा जाए, तो फिर तो वाकई आधी घरवाली होती है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा इसका मतलब गलत भी ले जाते हैं, जो आजकल के ड्रामों में पेश भी हो रहा है। मैंने कभी ऐसा ड्रामा नहीं लिखा। आप कैसे ड्रामे लिखते हैं? मैंने बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं अपनी पुठवारी जुबान में, उर्दू जुबान में। ये जो कहानियाँ चलती होती हैं, मतलब जैसे मुख्तलिफ चैनल पर आपने देखी होंगी कि बहुत सारी सच्ची कहानियाँ जो वाकयात हुए होते हैं, वो FIR जाके थाने से हम ले लेते थे, हमें परमिशन मिली हुई थी। अच्छा, मुझे बताएं शादी के बाद बीवी ने आपका कोई चक्कर पकड़ा? मोबाइल तो छुपाना पड़ता है। क्यों, क्या करते हैं मोबाइल में? बाद दफ़ा ऐसे टाइम पे कॉल आ जाती है, फिर वो मोबाइल को थोड़ा सा वॉशरूम में भी जाओ तो साथ लेके जाना पड़ता है। वॉशरूम में भी टेलीफोन साथ लेके जाते हैं? नहीं, वो इसलिए कि कहीं पीछे कॉल ना आ जाए। किसकी कॉल आनी होती है? कॉल आ जाती है लड़कियाँ, क्यों मैं राइटर हूँ ना, तो मुख्तलिफ लड़कियों की कॉल आ जाती है कि सर वो मेरी सिफारिश कीजिएगा उस ड्रामे में, तो वो घर वाले ये समझते हैं शायद लड़कियाँ, पता नहीं। मतलब आपकी बेगम को आपके मोबाइल का पासवर्ड नहीं पता? नहीं पता, मैं बदल देता हूँ बार बार अगर पता चल भी जाए। आप खुद किसी दिन भूल जाएं फिर क्या होगा? जी, आप खुद ही किसी दिन मोबाइल का पासवर्ड भूल जाएं फिर क्या होगा? हाँ ये है, लेकिन फिर भी पता तो चल ही जाता है, लेकिन मैं मोबाइल को ढीला छोड़ता ही नहीं हूँ, बिल्कुल पक्का रखता हूँ पास। ऐसा बेबी उसको साथ रखते हैं? जी, ऐसा बेबी उसको साथ रखते हैं? हाँ जी, मतलब वो। अच्छा, मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं कि आपको आपकी लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? ज़ाहिर है मैं यही चाहूँगी कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेरा कोई आइडियल नहीं है, आज तक मैंने ये भी नहीं सोचा कि कैसा होना चाहिए। मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होगा वो देगा, और जो अल्लाह लिखता है वो बेहतर लिखता है।